हेलो दोस्तों, कांति चैन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने पनीर की सब्ज़ी तो बहुत सारी खाई होंगी, लेकिन आज मैं आपको मिक्स वेज के साथ में पनीर की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में लेंगे ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो उसमें एक छोटी चम्मच जीरा ऐड करेंगे। जीरा में जब क्रैक्स आएगा तो दो कटे हुए प्याज डालेंगे और इसे एक मिनट के लिए भूनेंगे। देन इसमें स्मॉल पीस में कटे हुए कैरेट डालेंगे, साथ में मटर डालेंगे और इसे दो से तीन मिनट के लिए भूनेंगे। इसके साथ ही हम इसमें हल्दी और कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा नमक ऐड करेंगे और इसे भून लेंगे। वेजिटेबल्स को ज़्यादा भूनना नहीं है। अब इसमें दो से तीन प्याज का पेस्ट, दो चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और इसे तीन से चार मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें उबले हुए आलू को स्मॉल पीस में कट करके डालेंगे, साथ में एक चम्मच रेड चिली पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, हाफ चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इसे पाँच से सात मिनट के लिए भून लेंगे। थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लेंगे। मसाला जब अच्छे से भून जाएगा तो इसमें दो चम्मच टोमेटो केचप ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें दो चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम एक कटोरी दूध ऐड करेंगे, 250 ग्राम या फिर हाफ के जी भी दूध ऐड कर सकते हैं। इसी स्टेज पर पनीर को क्यूब्स में कट करके डाल देंगे और इसे हम अच्छे से 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकने देंगे। पनीर मैंने घर में ही तैयार किया है, आप भी चाहें तो घर पर बहुत ही आसानी से पनीर बना सकते हैं, सॉफ्ट एंड टेस्टी। पनीर सब्जी जब बनकर तैयार हो जाएगी तो ऊपर से हम बारीक कटे हुए धनिया पत्ती और हरी मिर्च ऐड करेंगे, साथ में एक चम्मच देसी घी। तो गाइस, तो आप इस तरह से मिक्स वेज के साथ में पनीर की सब्ज़ी बना सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।